गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम उमेश कुमार, फैकल्टी ऑफ श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट टॉपिक डिमोलिएशन ऑफ बिल्डिंग। स्टूडेंट्स, demolition is important role of construction in building after life period in a building। तो student हम discuss करते हैं demolition of building के बारे में। demolition is the process of destroying down or dismantling or collapsing down of large building after its useful life period। student demolition अपनी useful life के बाद में large building को destroying करने की process है। the process of demolition is carried out with the help of some equipment or other methods with legal procedure followed by the consent of the local authority। demolition process को कुछ equipment और other methods से legal process के द्वारा किया जाता है और लोकल ऑथोरिटी की परमिशन ली जाती है। वी नो डेट एवरी स्ट्रक्चर इज डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक लाइफ पीरियड, जनरली 100 ईयर्स। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर होता है उसकी डिजाइन 100 ईयर्स के लिए की जाती है, 100 वर्ष के लिए ही की जाती है। उसके बाद में बिल्डिंग अपनी क्या हो जाती है, धीरे धीरे डैमेज हो जाती है। द एक्सटेंस ऑफ द स्ट्रक्चर आफ्टर द सर्विस लाइफ पीरियड इज ओवर इज वेरी डेंजरस टू इट्स ऑक्यूपेंट्स एंड सराउंडिंग बिल्डिंग्स। जो भी सर्विस लाइफ पीरियड के बाद में स्ट्रक्चर के आसपास जो भी पब्लिक रहती है, रहने वाले होते हैं, उनके लिए यह खतरा होती है। द प्रोसेस पर्पज ऑफ डिमोलिशन इज टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल कोलैप्स ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग एंड टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, पब्लिक एंड नाइबोरिंग प्रॉपर्टीज। सर्विस लाइफ पीरियड डिमोलिशन का मेन पर्पज स्ट्रक्चर के अचानक कोलैप्स को रोकना है और पब्लिक, वर्कर और नाइबोरिंग यानी पड़ोसियों की सेफ्टी करना होता है। स्टूडेंट, जो ये डायग्राम है इसमें देख सकते हैं कि डिमोलिशन किस प्रकार से हो रहा है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं डिमोलिशन मेथड्स की। डिमोलिशन मेथड्स फॉर बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमोलिशन मेथड्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो स्टूडेंट, दो टाइप्स का होता है ये डिमोलिशन, नॉन एक्सप्लोसिव डिमोलिशन और सेकंड होता है एक्सप्लोसिव डिमोलिशन। तो अब स्टूडेंट बात करते हैं नॉन एक्सप्लोसिव डिमोलिशन मेथड की। तो स्टूडेंट, इसके अंदर फर्स्ट आता है स्लेज हैमर। इट इज ए स्मॉल हैंड हेल्ड हैमर यूज्ड फॉर द डिमोलिशन ऑफ स्मॉल वॉल और सिंगल कॉलम। स्टूडेंट्स,
अपन स्लेज्ड हैमर द्वारा स्मॉल वाल और सिंगल कॉलम्स को डिमोलिशन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। बी बात करते हैं एक्सकेवेटेड एंड बुलडोजर। दीज आर बिग मशीन्स यूज्ड टू डिमोलिश बिल्डिंग ऑफ स्मॉल साइज। स्टूडेंट्स, यह बिग मशीन है जिसका अपन डिमोलिशन बिल्डिंग में यूज करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल और ट्रांसफरिंग ऑफ डेब्रिस टू ट्रक ईटीसी। स्टूडेंट्स, जो सॉइल होती है उसका एक्सकेवेशन करती है और इसको ट्रक में ट्रांसफ़र करती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सी की, ब्रिंकिंग वॉल्स। द बिल्डिंग विद द ग्रेटर हाइट अप टू 6 to 7 स्टोरे कैन नॉट बी डिमोलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सकेवेटर और बुलडोजर। स्टूडेंट्स, जो अपनी बिल्डिंग 6 to 7 स्टोर की होती है उसे एक्सकेवेटर और बुलडोजर द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, वहाँ पर इसका यूज करते हैं। इन सच केसेस क्रेन विद ब्रिंकिंग वॉल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द डिमोलिशन एक्टिविटी। स्टूडेंट, इसके अंदर एक क्रेन होती है जिसमें वॉल्स लगी होती है। द ब्रिंकिंग वॉल्स क्रैक्स इज क्रैक अटेंड विद ए हग स्टील वॉल हैगिंग फ्रॉम ए स्टील रूफ। एक जो वॉल होती है स्टील वॉल, जो स्टील रूफ की सहायता से लगी हुई होती है, इसे बिल्डिंग को तोड़ने में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट एक्सप्लोसिव डिमोलिशन मेथड फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर की। इम्प्लोशन इज द प्रोसेस ऑफ डिमोलिशन ऑफ ए बिल्डिंग यूजिंग एक्सप्लोसिव्स। इफ द सपोर्ट्स ऑफ द बिल्डिंग आर रिमूव्ड द स्ट्रक्चर कोलैप्स। स्टूडेंट्स, जो भी बिल्डिंग होती है उसे आसानी से गिराने के लिए एक्सप्लोसिव डिमोलिशन मेथड को यूज में किया जाता है। इसके अंदर फर्स्ट आता है फेलिंग लाइक ए ट्री, यानी पेड़ की तरह गिरना। इन दिस टाइप ऑफ इम्प्लोशन द बिल्डिंग इज मेड टू फॉल लाइक ए ट्री टू द साइड वर्ड्स। स्टूडेंट्स, इस मेथड के अंदर बिल्डिंग को एक ट्री की तरह फुटपाथ पर गिरने के लिए बनाया गया है। दिस इज द कॉमनली यूज टाइप ऑफ इम्प्लोशन। वेन फ्री स्पेस इज अवेलेबल बिसाइड्स द बिल्डिंग दिस टाइप ऑफ डिमोलिशन इज प्रिस्क्राइब्ड। जहाँ पर खाली स्थान या फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं फेलिंग इनटू इट्स ओन फुटप्रिंट। व्हेन द फ्री स्पेस आर नॉट अवेलेबल अराउंड द बिल्डिंग एंड द स्ट्रक्चर अराउंड द बिल्डिंग आर टू बी प्रोटेक्टेड। स्टूडेंट्स, जहाँ पर बिल्डिंग होती है उसके चारों तरफ फ्री स्पेस नहीं होता है वहाँ पर एक्सप्लोसिव मेथड यूज में किया जाता है। दिस टाइप ऑफ डिमोलिशन इज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ डिमोलिशन एक्सप्लोसिव आर सेट इन द फ्लोर बिलो द मिडिल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। और स्टूडेंट्स, जो बिल्डिंग का मिडिल पार्ट होता है वहाँ पर एक्सप्लोसिव को सेट किया जाता है और बिल्डिंग को गिराया जाता है। यह मेथड जहाँ पर साइडों में जगह कम होती है वहाँ पर यूज में लिया जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं प्रोसेस डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग, यानी डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग की कौन कौन सी प्रोसेस होती है। प्री प्लानिंग ऑफ डिमोलिशन एक्टिविटी, यानी पहले से डिमोलिशन एक्टिविटी की प्लानिंग करना।
द डिफरेंट स्टेप्स बिफोर द स्टार्ट्स ऑफ ए डिमोलिशन प्रोसेस आर सर्वेइंग ऑफ साइट्स, जो भी साइट है उसकी सर्वेइंग करना, स्टडी ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स विद डिफरेंट व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इट्स सराउंडिंग विद स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू इज कैरिड इन सर्वेइंग। स्टूडेंट्स जो भी साइट्स है उसका सर्वेइंग करना है कि वहाँ पर साइडों में क्या क्या है, उसके सराउंडिंग एंड चारों तरफ क्या क्या पॉइंट हैं, स्ट्रक्चर पॉइंट कौन कौन से हैं, उन सब चीज़ों का सर्वे करना। रिमूवल ऑफ हजार्डियस मटेरियल बिफोर स्टार्टिंग डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग, हजार्डियस मटेरियल इफ एनी सच एज एस्बेस्टस कंटेनिंग मटेरियल, पेट्रोलियम कंटामिनेशन एंड रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन ETC exists in the building are removed। Students building को demolition करने से पहले उसमें से जो भी hazardous material है जैसे petroleum contamination, radioactive contamination आदि को building से remove कर देना चाहिए। Further investigation and removal of such hazardous material or contamination by experts shall be done। इन सब चीज़ों को वहाँ से हटाने से पहले इन्वेस्टिगेशन, हटाने के बाद में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और सब चीज़ों को वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर डिमोलिशन वर्क, जो भी डिमोलिशन वर्क है उसका प्लान कैसे प्रिपरेशन करते हैं। द बिल्डिंग लोकेशन टू बी डिमोलाइज्ड, जो बिल्डिंग है उसकी लोकेशन देखनी चाहिए। टोपोग्राफी ऑफ द साइट विथ इट्स ग्राउंड लेवल काउंटर्स एंड सेक्शन ऑफ द स्लोप्स एंड ग्राउंड सपोर्ट्स बाय द बिल्डिंग वेयर अप्रोप्रिएट इन डिटेल, जो भी बिल्डिंग की टोपोग्राफी है उसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। डिटेल ऑफ ग्राउंड रिमूवल एंड और बैक, जो भी उसकी ग्राउंड रिमूवल है उसकी डिटेल रखनी चाहिए। प्रोटेक्टिव प्रिकॉशन फॉर डिमोलिशन, प्रिकॉशन रिगार्डिंग मशीनरी, हमें कौन कौन सी प्रिकॉशन डिमोलिशन के टाइम में ध्यान रखनी चाहिए। प्रिकॉशन रिगार्डिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, ऑल डिसमेंटलिंग इक्विपमेंट शुड बी ऑपरेटेड बाय कंपेटेंट पर्सन विद एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, जो भी इक्विपमेंट है वहाँ पर यूज में ले रहे हैं उसके ऑपरेटेड हैं उनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। दीज इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड एंड मेंटेन एज रिकमांडेड बाय द इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर और सप्लायर। लिफ्टिंग इक्विपमेंट शुड बी थ्रोली एग्जामिनड बाय एन ऑथराइज्ड एग्जामिनर एट लीस्ट वंस एवरी 12 मंथ्स फॉर दोज लिफ्टिंग गुड्स और मटेरियल और 1 every 6 months फॉर दोज लिफ्टिंग persons। प्रिकॉशन रिगार्डिंग स्केफोल्डिंग, जो प्रिकॉशन है वो स्केफोल्डिंग के रिगार्डिंग क्या क्या होनी चाहिए। स्केफोल्डिंग अबव 4 meters इन हाइट, जो स्केफोल्डिंग है वो 4 meters से ज़्यादा होनी चाहिए, 4 meters से ऊपर होनी चाहिए। एक्सक्लूडिंग टावर एंड ट्रेशल स्केफोल्ड्स शुड बी इरेक्टेड इंस्टॉल्ड एडेड अल्ट्रेड ऑर्नामेंटेड बाय एन अप्रूव्ड स्केफोल्ड कॉन्ट्रैक्टर। वर्किंग प्लेटफॉर्म्स शुड बी फ्री फ्रॉम डेब्रिज, जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वर्क किया जाएगा वो फ्री होना चाहिए।
एवरी स्केफोल्ड शुड हैव एट लीस्ट वन डिजाइनेटेड एक्सिट पॉइंट. केयर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट डैमेज टू स्केफोल्ड कंपोनेंट फॉर फेलिंग डेब्रिज. प्रिक्वेशन रिगार्डिंग पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी के लिए कौन कौन सी प्रिक्वेशन होनी चाहिए. द डिमोल्यूशन साइट शुड बी प्रॉपरली बैरिकेटेड विद एप्रोप्रिएट वार्निंग साइन पोस्ट्स. नो अनऑथराइज्ड एंट्री शुड बी परमिटेड इन द डिमोल्यूशन साइट. कैच प्लेटफॉर्म शुड बी प्रोवाइड वेयर एक्सटीरियर वॉल और रूफ आर बींग डिमोलाइज्ड. मूवमेंट ऑफ मशीनरी फ्रॉम फ्लोर टू फ्लोर शुड बी कंसिडर्ड इन द डिमोलिशन प्रोसीजर. द यूज ऑफ डिसमेंटल्ड डेब्रिज टू फ्रॉम एक्सिस रैंप्स फॉर मशीनरी मे लीड टू ओवरलोडिंग ऑफ फ्लोर. जो भी डिमोलिशन साइट है उस पर प्रॉपरली बैरिकेटेड लगाने चाहिए, वहाँ पर साइन लगाने चाहिए. नो अनऑथराइज्ड एंट्री शुड बी परमिटेड इन द डिमोलिशन साइट. जो भी वहाँ पर एंट्री करता है उसे अनऑथराइज्ड एंट्री के मिलने के बाद में, परमिट मिलने के बाद में एंट्री दी जानी चाहिए. कैच प्लेटफॉर्म शुड बी प्रोवाइड वेयर एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ रूफ्स आर बीइंग डिमोलाइज्ड. मूवमेंट ऑफ मशीनरी फ्रॉम फ्लोर टू फ्लोर शुड बी कंसिडर इन द डिमोलिशन प्रोसीजर. जो भी मशीनरी है उसका मूवमेंट फ्लोर टू फ्लोर करना चाहिए. द यूज ऑफ डिसमेंटल डेब्रिज टू फ्रॉम एक्सिस रैंप्स फॉर मशीनरी मे लीड टू ओवरलोडिंग ऑफ फ्लोरिंग. जो भी रैंप है वो मशीनरियों की यूज में लिया जाना चाहिए और ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए. प्रिकॉशन रिगार्डिंग वर्कर सेफ्टी. वर्कर इन्वॉल्व्स इन डिमोलिशन वर्क्स मस्ट बी प्रोवाइड विद एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट डिमोलिशन वर्क सेफली. जो भी वर्कर है उन्हें वहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन है और उनकी जो ट्रेनिंग है वो दी जानी चाहिए. सुपरविजन इज नीडेड टू इंश्योर डेट ओनली दोज वर्कर हु हैव रिसीव्ड ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर ऑथराइज टू कैरी आउट द वर्क. ऑल पर्सनल एक्सेसिंग द डिमोलिशन साइट मस्ट बी प्रोवाइडेड विद सेफ्टी बूट एंड हेलमेट्स. जो भी वहाँ पर लोग काम करते हैं, पर्सन काम करते हैं, डिमोलिशन करते हैं, उनको सेफ्टी के लिए बूट्स और हेलमेट्स प्रोवाइड करवाने चाहिए. प्रॉब्लम्स इन डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स. जो डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है. फर्स्ट, एक्सीडेंट्स ड्यू टू पर्सन्स फेलिंग फ्रॉम हाई अनप्रोटेक्टेड वर्क प्लेस एंड थ्रो ओपनिंग. जो भी हाई अनप्रोटेक्टेड वर्क प्लेस होता है वहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा होता है. एक्सीडेंट ड्यू टू पर्सन बीइंग स्ट्रक बाय फेलिंग ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट फेल हो जाता है तो डिमोलिशन में एक्सीडेंट का खतरा रहता है. द बिल्डिंग कोलैप्सिंग सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली मे कॉज डेथ ऑफ द वर्कर. जो भी बिल्डिंग होती है वो सडनली कोलैप्स हो जाती है और वर्कर की मृत्यु हो सकती है. इनसिक्योर मटेरियल इन और ऑन द स्ट्रक्चर. जो भी स्ट्रक्चर है उसमें इन सिक्योर मटेरियल का यूज करना. एक्सपोजर टू डस्ट केमिकल्स एंड
नॉइस इन्फ्लुएंस द ऑक्यूपेंशियल हेल्थ, वहाँ पर जो डस्ट है, केमिकल्स है और नॉइस है, वो भी हेल्थ को नुकसान पहुँचाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जो अपन ने बात की है डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग की, इसमें जो भी बिल्डिंग है उसको अपन पूरी तरीके से, आपने देखा होगा जो लॉन्ग लाइफ पीरियड बिल्डिंग होती है, बहुत समय से बनी हुई होती है, उनको अपन क्या करते हैं, गिरा देते हैं, और उस गिराने की प्रोसेस को ही अपन क्या कहते हैं, डिमोलिशन प्रोसेस के अंदर आता है। थैंक यू।